यू ट्राई यू फेल, यू ट्राई यू फेल, द रियल फेलियर इज वेन यू स्टॉप ट्राइंग। वेरी गुड इवनिंग एवरी वन, माई नेम इज शुभम सिंघानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर वन पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो टूडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विथ मी, ही इज मिस्टर विनय आर्या हु हैज क्वालिफाइड हिज नेट JRF इन कॉमर्स। सो आई वेलकम यू विनय एंड आई होप दैट टूडे द डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू हैव इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू आर स्टूडेंट्स। And first of all, please accept my heartiest congratulations since you have scored 99.86 percentile in your third attempt. So I'm sure कि जो भी आज हम आपसे बात करने वाले हैं, आपकी जर्नी काफी इंस्पिरेशनल रही है एंड वो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को भी काफी इंस्पायर करेगी ताकि वो अपनी होप को लूज ना करें एंड कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहें टू क्लियर दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम। सो heartiest congratulations विनय, आई वेलकम यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपने इस प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्लियर करने से पहले व्हाट हैज बीन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्या क्या कोर्सेज आपने परस्यू किए हैं उसके बारे में कुछ हमें बताइए विनय। एक्चुअली सर, आई डिड माय बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड करंटली आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इटसेल्फ। सो या एंड इट्स माय थर्ड अटेम्प्ट दैट आई गिव नेट एग्जाम। ओके 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 विनय, सो क्योंकि आपने तीन अटेम्प्ट दिए हैं सो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि व्हेन डिड यू रियलाइज कि आप टीचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप टीचिंग को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहते हैं एंड आपने अपनी नेट की प्रिपरेशन कब शुरू करी एंड कैसे? सो सर, व्हेन आई गॉट एडमिट इन DSE फॉर MCOM, तो एक साल मुझे मैंने देखा कि टीचिंग, व्हाट टीचिंग एक्चुअली इज, टीचिंग का एनवायरमेंट क्या है, हाउ प्रोफेसर्स टीच यू एंड हाउ विल यू इनकल्केट थिंग्स एंड द ऑल। तो मतलब एक लर्निंग एनवायरमेंट मुझे इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया, या आई हैव टू बिकम अ टीचर एंड आई शुड गो फॉर अ टीचिंग एज माई प्रोफेशन। तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में, जब फर्स्ट ईयर एंड हुआ था मेरा MCOM का, तो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर UGC नेट। So I have also consulted to my friends, colleagues, ki which book I should refer to and how should I prepare for this. So and first year ke matlab second year start hone ke turant starting se hi maine preparation shuru kar diya tha and I gave my first attempt in June 2019. वंडरफुल वंडरफुल। सो विनय, क्या आपने रियलाइज किया, मतलब ये जो तीन अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं क्या उसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपने अपनाई या फिर कुछ स्पेसिफिक तैयारी करी जिसके बेसिस पे आपने दो बार नेट क्लियर करने के बाद तीसरी बार आपने इतने अच्छे स्कोर दैट इज 99.86 परसेंटाइल से अपना JRF क्रैक किया है, तो क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी उसके बारे में कुछ बताइए हमें। स्ट्रेटजी इसमें सिंपल सी है सर। इसमें अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इसमें एक स्ट्रेटजी है। हमें पढ़ाई करनी है दैट वी नो, हमें कंटिन्यूटी में पढ़ाई करनी है दैट वी शुड नो, ठीक है। दोनों चीजों में थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप 3 to 4 hours दैट आई गिव टू माई स्टडीज, 3 से 4 घंटा आप स्टडी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और आप इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं कि आपको जो है चीजों को मगअप नहीं करते हुए पढ़ रहे हैं, आप कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ रहे हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम ऑल्सो। तो कंटिन्यूटी में 3-4 घंटे डेली रेगुलर और प्रैक्टिस करते हुए ही मैंने मतलब अपने थर्ड अटेम्प्ट में JRF अचीव किया है। और हाँ, मुझे लगा था कि फर्स्ट 2 attempts के बाद व्हाट एम आई डूइंग, तो आई रियलाइज कि मेरे नेगेटिव थिंग्स कहाँ पे है, मैं कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ पे मैं अंडर परफॉर्म्ड हूँ। मैंने उसको एनालाइज किया। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैंने देखा कि पेपर वन में आई एम अचीविंग वेरी गुड मार्क्स, सो आई लुक फॉरवर्ड फॉर पेपर टू कि मैं पेपर टू में कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। तो जिस सब्जेक्ट में, जिस पेपर में मुझे लग रहा था कि मैं गलतियां कर रहा हूँ, उनका मैंने पर्टिकुलर बुक उठाई। सपोज इफ आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ अ पेपर इन फाइनेंस, फाइनेंस इज अ पेपर ऑफ MCOM, तो फाइनेंस की मैंने RP रुस्तगी उठाई, मैंने उनके कंसेप्ट को पढ़ा, अच्छे से गो थ्रू किया, कंसेप्ट बिल्ड की एंड देन आई फॉरवर्ड प्रोसीड। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए अपने। वंडरफुल। सो मुझे लगता है कि विनय, सबसे कमेंडेबल चीज ये है कि कई बार मुझे स्टूडेंट से कॉल आता है कि सर हमारा इस बार नेट क्लियर नहीं हुआ, दे स्टार्ट गेटिंग डिसहार्टेंड और काफी उनके अंदर नेगेटिव मोटिवेशन आ जाती है जिसकी वजह से वो आगे परफॉर्म नहीं कर पाते। बट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि दो बार अटेम्प्ट देने के बाद भी आपने अपनी पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं छोड़ी, अपने एरियाज को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे थे, कहाँ आप गलतियां कर रहे थे एंड हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं एंड उसी का नतीजा है कि आज आप हमारे सामने खड़े हुए हैं नेट JRF क्वालिफाई करके, दो इन अ थर्ड अटेम्प्ट, बट इट्स अ कमेंडेबल जॉब। सो वंडरफुल।
अब मैं विनय आपसे स्पेसिफिकली ये जानना चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स को क्वेरी रहती है कि सर पेपर वन के लिए क्या स्टडी मटेरियल, क्या बुक्स, क्या यूट्यूब चैनल्स रेफर करें एंड पेपर टू के लिए क्या रेफर करें, तो प्लीज इसके बारे में हमें कुछ बताइए क्योंकि अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या स्टडी मटेरियल्स हम रेफर कर सकते हैं। सर इफ यू लुक पेपर वन इज अ कॉमन पेपर एंड एवरीवन हैज टू डू इट। सो पेपर वन के लिए अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि केवीएस मदान की बुक आती है, पीएसएस पब्लिकेशंस की केवीएस मदान, दैट बुक इज वेरी गुड। वो बुक काफी अच्छी है, आप उसे गो थ्रू करते हैं। प्लस कुछ मैं पॉइंट्स बोलना चाहूंगा कि सपोज फैलेसीज एक टॉपिक होता है जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इंडियन लॉजिक एक टॉपिक हो गया जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जैसे कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, आप प्रॉब्लम फेस करोगे जब आप इन टॉपिक्स को बुक से पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में नहीं आएगा, फैलेसीज एंड इंडियन लॉजिक समझ में नहीं आएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अच्छे सोर्सेज से, अच्छे यूट्यूब वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हैं, अच्छा मटेरियल भी रेफर कर सकते हैं इस चीज के लिए। बाकी अदरवाइज केवीएस मदन बुक इज परफेक्ट फॉर पेपर वन। पेपर टू की बात करें विनय, पेपर टू के लिए क्या स्टडी मटेरियल रेफर करना चाहिए हमें? सर अगर पेपर टू की बात करें तो पर्टिकुलरली आई शुड नॉट कॉन्टैक्ट एनी सिंगल बुक, बिकॉज कोई एक सिंगल बुक इतना बड़ा सिलेबस कवर नहीं कर सकती है। एग्जैक्टली। तो पेपर टू की अगर हम बात करें तो आप पर्टिकुलर जो आपने बुक्स पढ़ी हैं आपके बीकॉम एंड एमकॉम के अंदर, उन बुक्स को आप रेफर करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि मैंने आरपी रुस्तगी जी की बुक बता चुका हूँ पहले फाइनेंस के लिए, आप एनडी वोरा फॉलो कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, सीबी गुप्ता मार्केटिंग के लिए आती है, टीएन छाबड़ा आपकी आती है एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, एंड सो ऑन वेरियस बुक्स आर देयर। तो आप पर्टिकुलर एक बुक को फॉलो कीजिए आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, इजिली अचीवेबल है, डुएबल है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट, दैट आई वुड से। आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई विनय ने कि अगर आप अपनी वही बुक्स यूज करते हैं जो बी कॉम एंड एम कॉम में आपने रेफर करी हुई है तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, बिकॉज आपने एक बार उन टॉपिक्स को उन्हीं बुक से पढ़ा हुआ है तो आपको कंसेप्ट ग्रास करने में काफ़ी कम टाइम लगेगा। सो दैट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी विनय। विनय एक और इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं उनको अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई ना कोई चैलेंज जरूर आता है, इस बार क्योंकि हम इस एक एक्सटर्नल फोर्स से भी चैलेंज महसूस कर रहे थे, दैट इज कोविड-19। सो क्या चैलेंजेस रहे टाइम रिलेटेड या अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड आपने उसको कैसे डील किया? इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट टू प्रिपरेशंस, तो उस टाइम पे जो बिगेस्ट चैलेंज था कि मास्टर की क्लासेस एम कॉम की क्लासेस के साथ मुझे स्टडीज को कैसे मैनेज करना है, बिकॉज 3 to 4 PM तक हमारी क्लासेस होती थी मास्टर्स में, एंड देन आई हैव टू गो थ्रू ऑल द सिलेबस जो क्लास में पढ़ाया गया है, एंड फिर मेरे को फिर हमको मतलब वो स्टडी करना है एम कॉम अपना UGC नेट वाला, तो उसके लिए क्या है कि यू हैव टू बी वेरी यू नो वेरी स्ट्रिक्ट टू योर सिलेबस, वेरी स्ट्रिक्ट टू योर शेड्यूल जो आपने शेड्यूल बनाया है पढ़ाई के लिए। अगर आप 3-4 घंटे एक बैठ रहे हैं पढ़ाई के लिए, 3-4 घंटा इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट कंसिस्टेंसी इज अ बिग थिंग। तो चैलेंजेस आए, बट यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू अचीव एंड व्हाट यू हैव टू अचीव, उसके लिए आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। उसके लिए ये है कि बस अगर आपने ठान लिया है तो जुट जाइए उस चीज को करने के लिए, दैट आई वुड से। वंडरफुल। सो आई थिंक कितने भी चैलेंजेस आए अगर हम लगातार कंसिस्टेंटली कंसेप्चुअल क्लैरिटी करके मेहनत करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कोई भी प्रॉब्लम आती है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विनय हैज डन इन हिज थर्ड अटेम्प्ट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज की डिफिकल्टीज के बारे में बात हो गई। अब एक स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि क्या हम सिर्फ पास्ट ईयर लगा के चले जाएं, क्या वो डायरेक्टली हेल्पफुल होते हैं, कितने मॉक टेस्ट हमें लगाने चाहिए जिसके लिए जिससे हमारी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, तो इसके बारे में बताइए विनय कि आपने कितने पास्ट ईयर्स कहाँ से कौन से ईयर से पास्ट ईयर्स प्रैक्टिस किए, कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए आपने? सर अगर मैं पास्ट ईयर्स की बात करूं तो पास्ट ईयर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पास्ट में तो जाएं पर बहुत ज्यादा पास्ट में ना जाएं। मतलब क्या है मेरे कहने का मतलब ये कि आप बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर्स के ऊपर मत जाएं, लाइक 2012 टू 2012 एंड 11 एंड सो ऑन। आप 2015 से उठाएं और रेस्ट जो आपके 5 ईयर्स के पास्ट ईयर है उनको आप करें, अच्छे से गो थ्रू करें, हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को उठाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप 4 ऑप्शंस के 4 कंसेप्ट है, अगर उन्हें आप अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे तो आपके एक ही क्वेश्चन में 4 कंसेप्ट सॉल्व हो गए, दैट इज द फर्स्ट थिंग।
तो ये फर्स्ट थिंग है कि आप क्वेश्चंस के सिर्फ जो पास्ट ईयर के उनके आंसर ना देखें कि आंसर क्या है, आंसर ही देखें कि आंसर क्यों है। क्वेश्चन मार्क थिंग यू शुड कम इनटू योर माइंड कि यही आंसर क्यों है, ठीक है। तो ये चीज हुआ आपका जो है उसके लिए, पास्ट ईयर के लिए। सेकेंड, आपने पूछा सर मॉक्स के रिगार्डिंग। तो मॉक्स आई वुड से कि आप पेपर वन के लिए, एज आई डिड, पेपर वन के लिए आप 15 to 20 गुड मॉक्स आप दे सकते हैं, दैट विल बी सफिशियंट फॉर यू। एंड फॉर पेपर टू 10 to 12 मॉक्स आर गुड, बट आई वुड सजेस्ट कि मॉक सिर्फ काउंटिंग में हमें इंक्रीज नहीं करने, क्वालिटी में इंक्रीज करना है। अगर हमारा गुड क्वालिटी मॉक्स, अगर हम कम अमाउंट के भी देते हैं, कम मॉक्स देते हैं बट ऑफ गुड क्वालिटी, देन दैट वुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर अस। तो क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स, एंड 10 to 12 मॉक्स आर वेरी वेरी अचीवेबल, वेरी डुएबल एंड वेरी सफिशियंट फॉर आर प्रिपरेशन। वंडरफुल विनय। सो आई थिंक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करी है, बिकॉज जहाँ तक मैं भी याद कर पा रहा हूँ इतने साल के एक्सपीरियंस से, कि 2015 के बाद से सिलेबस में भी चेंज आया है, एंड अब जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस लगाते हैं 2010 के 2011 के, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। तो कई बार मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने 10 मॉक्स लगा लिए, 1500 क्वेश्चन लगा लिए, बट सिंसियरली कंसेप्चुअल क्लैरिटी से नहीं लगाए होते। सो दे आर एज गुड एज क्वेश्चन। अगर वो सेम क्वेश्चन उठ के आ गए तब तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। एंड मैं हमेशा अपने लाइव सेशंस के अंदर भी इस चीज पे फोकस करता हूँ कि अगर मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वहां पे अगर मैं चारों ऑप्शंस को समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हर एक वीडियो के अंदर आपके 20 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। तो अगर हमने 150 कुछ 180 सेशंस हमने किए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस के अंदर हमने इतनी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली थी। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करती है। सो आई एम श्योर विनय आपको हमारे लाइव सेशन से भी काफी हेल्प मिली होगी, बिकॉज यू हैव बीन आर इनरोल्ड स्टूडेंट, तो आप लाइव सेशन भी लगातार देखते थे। एंड मुझे लगता है कि इस बार आपका स्कोर भी काफी अच्छा था, जो हमारे लाइव सेशन में मार्क्स आते थे लास्ट में। ओके सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई फॉरगॉट टू मेंशन इट कि स्पेशली स्पेशली आई वांट टू से अबाउट द लाइव सेशन, कि लाइव सेशन के बारे में अगर बताऊं तो आप अगर लाइव सेशन को रेगुलरली अपडेट रहते हैं, अगर रेगुलरली आपको उनको ध्यान से सुनते हैं, तो ट्रस्ट मी दैट विल बी वेरी वेरी हाईली बेनिफिशियल फॉर आवर सेल्फ। वो मतलब इस तरीके से एक्सप्लेन किए जाती है चीजों को कि आपको वहां वो चीज पढ़ने के बाद दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे को दोबारा स्टडी मटेरियल में देखना है कि व्हाट दिस व्हाट दैट थिंग इज। आपको वहीं पे उसी चीज को अच्छी तरीके से समझा दिया जाता है, कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो यस, आई वुड बी हाईली थैंकफुल फॉर दैट कि दैट लाइव सेशन हेल्प मी अ लॉट सर। थैंक यू ओके फॉर दिस। थैंक यू विनय फॉर सेइंग दैट। अब ये तो बात हो गई आपकी नेट से रिलेटेड तैयारी की। अब क्योंकि आपने नेट जेआरएफ इतने अच्छे मार्क्स से 99.86% से क्लियर कर लिया है, तो विनय आप बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप पहले टीचिंग करना चाहेंगे या फिर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं? तो इसके बारे में कुछ बताइए हमें। सो सर, एट दैट स्टेज इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अस टू डिसाइड कि हमें जाना कहाँ है, हमें टीचिंग परस्यू करनी है, पीएचडी परस्यू करनी है। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि लाइक वी हैव टू डू पीएचडी एनी हाउ इन आवर नियर फ्यूचर। हमें पीएचडी तो करना ही करना है, आज नहीं तो हमें बाद में करना है, 1 साल बाद 2 साल बाद। बट करंटली जो मेरा फोकस है वो मेरा फोकस टीचिंग पे है कि पहले मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना है किसी अच्छे गुड टीचिंग इंस्टीट्यूट से, किसी अच्छे कॉलेज से टीचिंग का एक्सपीरियंस। आफ्टर 1 or 2 ईयर आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माय पीएचडी आल्सो, बिकॉज एनी हाउ वी हैव टू डू पीएचडी। बट दैट्स वेरी सब्जेक्टिंग थिंग सर। एंड फॉर मी आई वुड से कि आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टीचिंग फर्स्ट एंड देन फॉर पीएचडी एंड इन रिसर्च एरिया। ओके आई थिंक विनय दैट्स अ वेरी गुड मूव, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है। तो सिंस आपको अभी इसी लेवल पे इतनी अच्छी क्लैरिटी है कि आप पहले 2 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तब पीएचडी में जाना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टीचिंग के साथ साथ आप जो अपने रिसर्च एरियाज हैं उसके लिए भी आपको सफिशियंट टाइम मिल जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मूव विनय। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि अब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को जो फ्यूचर में जून 2021 में प्रोबेबली जो एग्जाम होने वाला है उसमें यूजीसी नेट एग्जाम का अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनके लिए आपका एक क्या एडवाइस रहेगी या क्या सजेशन रहेगा? ओके, देयर आर लिटिल लिटिल सम एडवाइजेस। फर्स्ट एडवाइस, नेवर लूज योर होप। आपको होप कभी भी नहीं छोड़नी है।
एज अ स्टूडेंट, कि अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने मेरा थर्ड ही अटेम्प्ट था, बहुत सी स्टूडेंट्स का मैंने रिव्यू देखा है कि आफ्टर टू अटेम्प्ट्स दे गिव अप थिंग्स, कि लाइक यार नहीं हो रहा है, नहीं कर पाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट. गाइज ट्रस्ट मी, नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज वेरी इजी इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग इज वेरी हार्ड इन दिस वर्ल्ड. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर माइंड सेट, कि हाउ वी परसीव थिंग्स. अगर हम आप किसी सब्जेक्ट को आसान मान के चलेंगे तो आसान है, हार्ड मान के चलेंगे तो ट्रस्ट मी बहुत हार्ड है. इट टोटली डिपेंड ऑन आवर सेल्फ. तो फर्स्ट चीज इज कि आपको कंटिन्यूटी से स्टडी करनी है, रेगुलर स्टडी करनी है, इस होप के साथ कि व्हेन नेक्स्ट टाइम वी विल बी अटेम्प्टिंग दैट जेआरएफ, तो हमारा जेआरएफ क्लियर होगा, एक सीट हमारे लिए वहां पे रिजर्व्ड है. ये आपको सोच के पढ़ाई करनी है और कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, गुड मटेरियल. आई वुड रिकमेंड गुड मटेरियल आपको जरूर फॉलो करना चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप तब तक अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, और जब एग्जाम पास होता है तो उस टाइम आपको यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन द टाइमिंग, लाइक 6 to 7 hours आप भी आपको देने पड़ेंगे उस टाइम पे जब आपके एग्जाम नियर, मतलब नियर बाय होंगे. तो दैट आई वुड सजेस्ट कि विल बी बेटर फॉर ऑल अस, ऑल ऑफ अस. विनय, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही, बिकॉज राइटली पॉइंटेड आउट बाई यू कि काफ़ी बार ऐसा होता है, अभी भी ऐसा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक दो मार्क्स की वजह से एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं एंड वो डिसहार्टेंड हो गए हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विनय इज अ लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू कि एक अटैम्प्ट नहीं, दो अटैम्प्ट नहीं, उन्होंने अपनी होप लूज नहीं करी एंड ही केप्ट प्रैक्टिसिंग, केप्ट कंसिस्टेंसी इन हिज एफर्ट्स, एंड आज देखिए उन्होंने जेआरएफ फाइनली क्वालिफाई कर ही लिया है. तो कोई मैटर नहीं करता कि आपको एक अटेम्प्ट लगे, दो अटेम्प्ट लगे, कोई नहीं पूछने वाला. एट लास्ट लोग यही देखने वाले हैं कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, एंड टुडे ही इज इक्वल टू ऑल अदर कैंडिडेट्स. सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस विनय वंस अगेन. आई एम श्योर कि जो आज आपके साथ हमारा डिस्कशन हुआ है वो काफी सारे अपकमिंग स्टूडेंट्स को, एज वेल एज पास स्टूडेंट्स जिनका जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हो पाया, उनको मोटिवेट करने वाला है. तो थैंक यू फॉर finding time out of your busy schedule and coming to our channel for the discussion. I wish you all the luck for all your future endeavors. God bless you and thank you so much once again. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you to all the Anuj Jindal family, and especially thanks to you, Shubham, sir. Thank you very much. Thank you.